नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो 23 अप्रैल 2019 को होने वाले मतदान के लिए रामपुर एसपी शिव हरि मीणा ने प्रेस वार्ता की और बताया कि जिले में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए 12,000 के लगभग पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स है। वहीं अति संवेदनशील बूथों के लिए 270 पर मोर्चा बनाया है। पैरामिलिट्री के लिए और सक्रिय गलियों के लिए मोटरसाइकिल बनाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगी। बयान के अनुसार इसके बावजूद भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो 5 मिनट में हमारे पास मोबाइल पर सूचना मिलेगी। भाजपा ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस की ब्रीफिंग पुलिस लाइन में की गई है, जिसमें ऑब्जर्वर साहेबान हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी थे। इसके तहत हम आपको बता दें कि लगभग जनपद में 12,000 के आसपास पुलिसकर्मी आए हुए हैं जो चुनाव को सकुशल संपन्न करवाएंगे। पूर्व में हम आपको बता दें लगभग 40,000 लोगों को हम निरोधात्मक कार्रवाई के तहत पाबंद कर चुके हैं। अन्य जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रामपुर में दो चीज़ें हमने यहाँ की परिस्थितियों को देखते विशेष रूप से करी हैं कि जितने भी हमारे क्रिटिकल या वनरेबल बूथ और सेंटर हैं उन पर लगभग 270 पर हमने मोर्चा बनाया है जो हमारी पैरामिलिट्री है उसके लिए, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त रामपुर में जो सक्रिय गलियां हैं उनके लिए मोटरसाइकिल स्कॉट बनाई है जो तत्काल रेस्पॉन्स करेगी, पहुंचेगी। हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि रामपुर में निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव रामपुर पुलिस प्रशासन करवाएगा। तो साथ ही मतदान में अब कुछ दिन और रह गए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने तरफ से जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी बीच रामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मनोज ठाकुर रामपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जयाप्रदा को लोकसभा चुनाव में विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। वहीं कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां देते हुए कहा कि रामपुर से प्रधानमंत्री मोदी और जयाप्रदा की ही जीत होगी। आपको लेके हमने यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहन जयप्रदा जी, उनसे मुलाकात की व्यक्तिगत और बैठकर चुनाव के बारे में चर्चा की। उसके बाद अपने नरेंद्र मोदी विचार मंच के जिला कार्यालय रामपुर पर आए, यहाँ संगठन के लोगों से बैठक की और चुनाव में उनको आह्वान किया उनसे कि घर घर जाकर चुनाव में प्रचार करें और जयप्रदा जी को पहले से डबल मतों से जिताएं और माननीय मोदी जी का हक मजबूत करें। नरेंद्र मोदी विचार मंच से कराया अपने कार्यक्रम सारा? जी हाँ, सारा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी विचार को, नरेंद्र मोदी विचार मंच मोदी के लिए केवल काम करता है क्योंकि संस्था है। विस्तार किया गया, कुछ नए लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है चुनाव को लेके और उनको पद दिया गया, कुछ लोगों को पदों में फेरबदल भी किया गया। जिम्मेदारी चुनाव की क्योंकि अहम जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी विचार मंच की, क्योंकि अहम भूमिका चुनाव में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि मोदी जी के साथ संगठन का नाम जुड़ा है और समय हिंदू मुस्लिम सब को साथ लेकर चलना है। यूपी के सीतापुर में विधानसभा महमूदाबाद के बजहेरा गांव राजाराम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज होगा आगमन। सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी नकुल दुबे के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हेलीपैड की व्यवस्था, जनसभा को संबोधित करने का मंच और बैठने के लिए कुर्सियां व्यवस्थित की जा रही हैं। इसकी जांच पड़ताल करने आए जिला मुख्यालय से अधिकारी सपा के नेता तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। सीओ एसडीएम जेई एक्सियन बिजली विभाग ने चल रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो मुलायम पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान, कहा जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी ने अलग अलग जातियों से नेता बना रखा है। चुनाव के समय जो वोट दिलवा लेते हैं उसके बाद शेड्यूल नेता का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी शेड्यूल कास्ट की नेता मायावती को कोई मतलब नहीं रहेगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टी में अलग अलग जातियों से नेता बना रखा है, उन्हीं के सहारे अपनी पार्टी को वोट दिलवा लेते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद फिर ओबीसी उस नेता की, शेड्यूल कास्ट के उस नेता की कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये बात मायावती जी कह रही हैं तो भाई सही है कह रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ के हिसाब से ओबीसी का नेता खड़ा होता है फिर वोट पाता है और वोट के बाद जो ओबीसी जो आम लोग हैं उनको भूल जाते हैं, आपका ये कहना है सीधे तौर पे? बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी दल हो, किसी दल में जो भी नेता हैं शीर्ष नेतृत्व के नीचे उनका नाम क्यों नहीं लोग लेते हैं? चाहे वो जिस तरह मायावती जी का बयान है, उनके दल में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, विभिन्न जातियों के लीडर हैं, लेकिन वो बैकवर्डों के लीडर नहीं हैं, वो अपनी जाति के लीडर नहीं हैं, ये उनके कथनानुसार जो आप बता रहे हैं। मंत्री जी,
किस नेता से आप अधिक नाराज हैं बीजेपी में? आप तो हर मोड़ पे गए होंगे, आप योगी से लेके अमित शाह से लेके और जितने जो नेता हैं सबके पास गए होंगे, क्यों नहीं आपकी बात उन्होंने सुनी, क्या कारण? देखिए, हम किसी से नाराज नहीं, किसी नेता से नाराज नहीं, हम सभी नेताओं से खुश हैं। हम अपने पर नाराजगी जताते हैं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ये पिछड़े गए लोग, गरीब कमजोर लोग, इनके साथ सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में धोखा होता आया है और आज भी धोखा हो रहा है। उस धोखे से बचने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा ने आज बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेनी प्रसाद ने बताया कि अगर मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंने कहा कि वोटों की राजनीति में दलित का विरोध करना किसी नेता के पक्ष में नहीं होता और मायावती तो दलित महिला हैं, उनका पीएम बनना प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश का गौरव, दलित महिला देश की प्रधानमंत्री बनी और सत्तर सीटें जीत गए, कोई रोक ही नहीं पाया। इसलिए मजबूरी है देश की वोटों की राजनीति में दलित का विरोध करना किसी नेता के विरोध में, कोई महिला हो या संभव नहीं, बड़ी पहले का संभव और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा गौरव। तो जलौन के कालपी में जनसभा करने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। यह तीनों पार्टियों ने मिलकर देश के साथ मुसलमानों को भी बर्बाद किया है। यह वोट के लिए मुसलमान और क्रिश्चियन को भय दिखाती है, जबकि भाजपा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और वह देश को बनाने में विश्वास करती है। बहनों भाइयों, कांग्रेस सपा बसपा बर्बाद कर दिया देश को, इन लोगों ने बर्बाद किया बराबर, मुसलमान को भय दिखाएंगे। देखो, भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को बाहर कर देंगे, क्रिश्चियन को ईसाई को भय दिखाएंगे, भाजपा आ जाएगी तो गड़बड़ कर देंगे। बहनों भाइयों, ईमानदारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी धर्म और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, वोट मिले या न मिले। मैं साफ दो टूक शब्दों में कहना है, क्योंकि भारत की संस्कृति में हम विश्वास रखने वाले हैं। हमारी ही यह धरती, दुनिया की अकेली धरती भारत की धरती है, जिस धरती के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को, चाहे वह किसी जाति पंथ और मजहब के क्यों न हो, सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष यदि किसी दुनिया के देश की धरती से हुआ है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से हुआ है। बहनों भाई, वोट के लिए हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं करना चाहिए, न्याय सभी को तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। हम ऐसी राजनीति कतई नहीं पसंद करते और मैं वोट लेने के लिए केवल राजनीति नहीं करता हूं, मैं देश बनाने के लिए राजनीति करता हूं। बहनों भाई, वोट लेकर सरकार बनाना ही केवल उद्देश्य नहीं है, देश बनाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति भी उसी की लिखी जानी है। 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के लिए सभी पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पूर्व रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सीपी सिंह, एसपी अशोक कुमार ने जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा जवानों के साथ पुलिस ब्रीफिंग की, तो वहीं सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों की सुरक्षा जवानों को क्षेत्रों के लिए मूव करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए गए। आपको चार्ट मिल गया है कंपनी वाइज, यूनिट वाइज, और आप अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट करके उनको पहुंचा देंगे। तो जिनको ड्यूटी कार्ड नहीं मिला हो, पीछे पंडाल लगा हुआ है, कृपया ड्यूटी कार्ड ले लें और आपका जो नाश्ते का 150 रुपया है वो भी ले लें। पीछे काउंटर लगा है जनपद वाइज और सीपीएमएफ वाइज, जिसको दिक्कत हो जाएगा वहाँ संपर्क करके ले लें, ड्यूटी कार्ड ले लें, अपना पारिश्रमिक ले लें, नाश्ते का पैसा ले लें, और रुकने रुकाने में अगर कोई अभी भी असुविधा हो तो उसको भी काउंटर पर नोट करा दे। अभी आपको 2 दिन यहाँ पे रहना है, कल रहना है, परसों रहना है, परसों 900 सुबह जा पाएंगे, तो अगर कोई असुविधा हो तो मुझे उसको आप लोग बता दीजिए,
हम उसे प्रूव करा देंगे। 23 अप्रैल को हमारे यहाँ मतदान होना था 7 बजे से, करीब लगभग 16-17 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आया हुआ है हमारे यहाँ का, फोर्स है अन्य जनपदों से भी फोर्स आया हुआ है, सेक्टर मजिस्ट्रेट से जोनल मजिस्ट्रेट से सबको आज ब्रीफिंग थी फोर्स को कि क्या बूथ पे करना है क्या नहीं करना है, और सबको ये भी अवगत कराना था जिले में क्या स्थितियाँ हैं और किस प्रकार हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, चुनाव शांतिपूर्वक निष्पक्ष करवाना है, इसके लिए पूरी ब्रीफिंग की व्यवस्था की गई थी। एक युवक ने करीब 14 वर्षीय मासूम युवती को घर से बुलाया और अपने घर ले गया, जहां उसने शराब का सेवन किया और युवती को भी जबरन शराब का सेवन कराया। युवती को जब नशा हो गया और आरोपी के घर पर ही नींद आ गई, तभी आरोपी युवक ने कुकर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। युवती के पिता ने जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की और पुलिस जाँच कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अच्छा, तुम्हारे साथ में क्या घटना हुई? मैं रात में जब बाहर सो रहा हूँ गेम के जोर, तो वो रात को उठा के ले गए मोहम्मद नगर के भीतर कमरा बंद कर लो और दारू पिया रहे, जबरदस्ती कर रहे मेरे संग दारू, न मैं न दारू न पी रहा तो मैं नार भींचते ही और कमन जा डर दो नार पे। गाँव आया हुआ था मतलब से, तो क्या नाम है, लड़का बाहर सोया हुआ था, तो मेरे पड़ोसी का लड़का विष्णु, उसने मेरे लड़के को रात को 9:30 बजे करीब अपने घर में ले गया, जाके ले जाके गलत काम उसके साथ में किया और जब दारू पिलाई, दारू नहीं पी तो लड़के की गर्दन दबाई और खमनचा उसके सिर पर रख दिया, नहीं पिया तो मारेंगे, चंद मारने की धमकी दी। फिर मेरी मम्मी भी वहाँ गई तो मम्मी को भी धमकी दी उसने मारने की। पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस देखो अभी तो तहरीर लिखी जा रही है। तो अलीगढ़ में लगी गांव में अंबेडकर प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं सुबह अंबेडकर मूर्ति टूटी हुई देखकर समाज के लोग भड़क उठे और अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंच प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। तो वहीं सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार गांव वालों का आरोप है कि कल रात को जाट समाज की बारात आई थी और उसमें शामिल कुछ लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, जहाँ पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दो बारातें आई थी, एक तो जाट समाज में आई हुई थी, दूसरी बारात जाट समाज में यानी चौधरी समाज में आई हुई थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी बारात जो है सभी लोग बच्चे इकट्ठा होकर अपनी बारात को लेकर चढ़वा कर यहाँ से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो दूसरी बारात जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया चढ़ाना, यहाँ से पुलिस प्रशासन जो हट गए यहाँ से, लेकर मतलब गाड़ी जो पुलिस की लगी हुई थी वो चली गई यहाँ से। अब उन लोगों ने बराती लोगों ने नाइट में ये हमारी मूर्ति जो प्रतिमा लगी, आपको कब पता लगा ये? बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया और हमें जब हम सब लोग अपना चलो भाई चलो ये सोच के लिए निकलते हैं, आकर देखा हमने तो वो हमारी बाबा साहब की सुनो यार क्षतिग्रस्त हुई थी। रात दो बारात आई थी, एक जाट समुदाय की थी एक जाट समुदाय की थी, दोनों बारातें यहीं रुकी थी, किसी खुराफाती तत्व ने इससे ये मूर्ति जो अंबेडकर साहब की थी क्षतिग्रस्त कर दी, इसमें एफ आई आर दर्ज हो गई है और कार्रवाई की जा रही है। सर किसका नाम लिया गया, उसमें कोई तत्व है? पहले जो गांव का मसला था हम लोगों ने समझाया काफी ने, अभी बात मान गए हैं और मामला पूर्णतः शांत है। सूचना मिली जैसे इसको हमने गंभीरता से लिया और तुरंत प्रशासन को ये जो है निर्देश दिए कि प्रशासन इसमें शांति व्यवस्था मतलब बनाए रखे और लोगों में, हमने अपने समाज को भी कहा कि वो पूरी तरह से संयम बरते, ये प्रशासन अपनी पूरी तरीके से सक्रिय होकर के प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मूर्ति जल्दी से जल्दी बदल दी जाएगी। तो आज सुबह जहां मुस्लिम समाज के लोग शबे बारात की रात इबादत करते हैं, वहीं उसी रात एक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा गया जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग साइड से खड़े थे, एकदम से कार वाला आया और एकदम हमें साइड में आटो वाले बहुत सीरियस है, काफ़ी लोगों को चोट आई थी और जो बंदे था उनको अलग बहुत सीरियस है। कितने भाई ये कहाँ का मामला है, कहाँ का ये? यहाँ का मामला है मैरिज रोड का, मैरिज रोड का जल्दी पाए वाला है ना उस साइड का। कौन सा कौन थे? अब्दुल्ला का बेड रोड कौन सा थे वो नाम तो नहीं पता, रेड कलर की बाइक थी, रेड कलर की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी? बेटारा गाड़ थी, रेड कलर थी, बाहर गाड़ी है, नशे में थे। हाँ नशे में थे, ड्रिंक कर रहे थे बहुत ज़्यादा।
साथ ही अलीगढ़ के थाना जवा में ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने में ट्रक सरकारी इमारत में जा घुसा, तो वहीं घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला और हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भाई का नाम नहीं, मैं वो ट्रक चलाता अपना ट्रक, वो गाड़ी गाजीबाद से भरकर अलीगढ़ के लिए माल ला रहा था, तो रास्ते में गन्नों का ट्रैक्टर बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेडिकल ले गए हम अलीगढ़ मेडिकल, उसमें उसकी मौत। तो ट्रक में क्या भरा हुआ था? ट्रक में लोहा भरा हुआ। थाना गोवर्धन में दामिनी नाम की विवाहिता ने अपने सास और देवर पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। वहीं दामिनी ने आरोप लगाया कि उसके देवर और सास हर दिन मारपीट करते हैं, और तो और देवर और सास ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश भी की है। तो वहीं शिकायत दर्ज होने पर विवाहिता का मेडिकल जाँच के लिए भेजा मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं विवाहिता के पति से पूछे जाने पर उन्होंने बयान दिया कि उसके भाई और माँ आए दिन उन्हें परेशान करते हैं और घर से निकलने की बात कहते हैं, और तो और आए दिन मेरी पत्नी से मारपीट करते हैं। जो हमारी सास हैं और उन्होंने मारपीट की मेरे साथ, मेरी देवर जेठ उन्होंने भी घर पर गए थे मुझसे खिलाफ लेने के लिए, उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। आप भी गर्मी सर्दियों के कपड़े रखने गए थे, गर्मियों को लेने गए थे, उसमें उन्होंने हमारा घर का ताला तोड़ा हुआ था, हमारा घर का ताला लगा हुआ था। हमने मुझे बोला कि ताला किसने तोड़ा है, तो मेरे छोटे देवर ने आके बोला मैंने तोड़ा है, आके उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और पीछे से सास ने जेठ देवर ने हाथ पकड़ लिए और देवर छोटे वाले ने मेरे बाल पकड़ के मुझने साहब आए दिन मुझे प्रताड़ किया जाता है, मेरी औरत के साथ मुझे मारा पीटा जाता है और मुझसे जबरदस्ती करी जाती है। कौन मारपीट करता? मेरे भाई करते हैं और मेरी माँ भी संग देती है। आज क्या बात हुई? कल मैं अपने कमरे में आया था अपने बच्चों को लेकर, उसमें कल मार छेड़छाड़ करके मेरा ताला तोड़ दिया गया, सामान सट्टा निकाल लिया गया उसमें घर में से। किसने निकाल दिया सामान? घर सामान घर को नहीं निकाला है, घर वाला मिट्टी का तेल तीन डाला है, मेरे भाइयों ने डाला है। किसको पटाला? औरत को पटाया। अच्छा ठीक है, कोई परेशानी नहीं? नहीं छोटा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के थाना हलधरपुर क्षेत्र के पास गांव में शराब पीकर मंदिर के पास थूकने पर पुजारी ने जब मना किया तो मन बड़ युवकों ने पुजारी को पीट दिया। इस मामले की सूचना जैसे ही गांव वालों को मिली तो सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मनबड़ युवकों को ग्रामीणों ने घेर कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा तो कुछ भाई लेना है एकदम कुछ ना भाई रखानी वो कहने के मतवाई मंदिर चलो तो चलो लिखा मंदिर है। हां आज दिन थूका थे बार बार बस यही पर कहता कि साले बोलोगे तो मारेंगे। अब पियले होले रोल बसाई लो तो हट गई लिया दंगिया। तो यमुना एक्सप्रेस वे पर चौकी प्रभारी के जरिए फिर एक बार लाखों रुपए कीमती अंग्रेजी शराब को क्रेन के कैबिन से पकड़ा, लेकिन पुलिस को देखकर शराब तस्कर भाग निकले। तो वहीं पुलिस को क्रेन के कैबिन से अंग्रेजी शराब की 55 पेटियां भरी मिली। थाना मांट के एसआई दिनेश शर्मा ने बताया कि शराब को हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था और शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वो जो हरियाणा से आ रही थी शराब जी, वो क्रेन के अंदर केबिन बना हुआ उसमें रखी हुई थी और हमारे दरवाई चौक इंचार्ज जो है सुवीर सिंह साहब ने पकड़ी है, 55 पेटी थी। तो सर ये कहाँ की मार्का है सर, कहाँ ले जाया जा रही थी? हरियाणा मार्का थी, बिहार लेके जा रहे थे, कम रेट में लाते हैं और ज़्यादा रेट में बेचते हैं वहाँ। तो सर शराब जो तस्कर हैं सर वो कहाँ गए? वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। क्या कार्रवाई हुई सर इसमें? मुकदमा काम किया और शराब वो हमारे कब्जे में क्रेन भी है और 55 पेटी है। अलीगढ़ रोटरी क्लब लोक सिटी के जरिए आज विशाल निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन के दौरान आंखों से परेशान व्यक्ति महिलाएं ने और बच्चों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। सैकड़ों लोग यहां इलाज कराने के लिए आए हुए थे, तो वहीं डॉक्टर नीलेश मित्तल के जरिए सभी लोगों की जाँच का इलाज किया गया। आपको बता दें वरदान हॉस्पिटल रघुवीरपुरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलीगढ़ लॉ सिटी द्वारा ये निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया है, इसमें हम सुबह से काफ़ी भीड़ आई हुई है, काफ़ी मरीजों को देख रहे हैं
लगभग 140-150 के आसपास सिचुएशन पहुँच गई है। 20 मरीजों के आसपास हमने नियुक्त कर लिए हैं जिनका कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारे रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा। इसमें बिना डांटे के ऑपरेशन होंगे, लेंस डाले जाएंगे और निःशुल्क दवाएँ वितरित की जाएंगी मरीजों को। ये हमारा क्लब जो है ये कई सालों से संचालित है और ये हर साल एक शिविर लगाता है गरीबों को निर्धन लोगों की सहायता के दौरान। सहायता के उद्देश्य से आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं और अन्य एक्टिविटी उनके सम्मिलित है। हमारे प्रेसिडेंट साहब और अदर साथियों द्वारा खूब सहयोग इसमें प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं इनका आशा करेंगे हर साल हमारे क्लब द्वारा कम से कम जो अभी 30 की संख्या है वो 50 तक पहुँचे और जो हम अलग एनजीओ से कराते हैं निर्फात से वो भी बढ़ती चली जाए और ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिसकी आंखों में मोतियाबिंद और जो अपनी आंखों से परेशान हो रहा है उसको तकलीफ हो रही हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, किसी भी, तो वो हम हमारे डॉक्टर नीलेश मित्तल जी हमेशा इस कार्य में बढ़कर का हिस्सा लेते हैं। इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।